उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांग रही है SBSP से? जब सीट बटेगा तो हम आपको बता दें कितनी सीट चाहिए। हम लोगों को सीट का झगड़ा नहीं है, हम लोगों का झगड़ा बस सिर्फ इतना है कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का झगड़ा है। सर, संसद में जब विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है और बाहर निकाल दिया गया, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सांसद चर्चा के लिए, जनता वोट दे के भेजी है तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करो। आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की चर्चा क्यों नहीं करते हो? आप देश में रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराने का कानून क्यों नहीं बनवाते हो? आप देश में गरीबों के फ्री इलाज की कानून क्यों नहीं बनाते हो? रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट कर देने के लिए उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? महिलाओं के जो दुखी हैं, महिलाओं को आज पूरे देश की महिलाएं चाहती हैं कि पूरे देश में शराबबंदी हो, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? आज जरूरत है महिलाओं को 33% नौकरियों में रिजर्वेशन देकर इनके भी सिपाही दरोगा CEO SP बनाने की, इस पर बहस क्यों नहीं करते हैं? ये फिजूल की चर्चा विपक्ष के लोग करते हैं, मुद्दों से ये भाग रहे हैं। सदन चर्चा के लिए बना हुआ है, सदन हंगामा के लिए नहीं। फिर जो बाहर निकल के उनकी नकल उतारी गई थी, क्या कहना चाहते हैं? अब वही लोग कर सकते हैं, अब बहुत लंबे समय तक यही कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा जो होगा वो कांग्रेस अध्यक्ष होंगे, खड़गे जी, तो क्या कहना चाहते हैं? अभी तो 5 राज्यों में चुनाव लड़के देख लिया लोगों ने कि 3 राज्य में जीतने के बाद पूरे देश में मैसेज चला गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा टिक नहीं पाएगा। ये मैसेज अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वो दे दिया। और मजे की बात आप देखिए कि ये लोग बात करते हैं और NDA काम कर रहा है, जिस PDA का ये सब नारा दे रहे हैं। आप मध्य प्रदेश उठा के देखिए, CM Deputy CM, आप राजस्थान उठा के देखिए, CM और Deputy CM, यहाँ तो काम हो रहा है। जो सरकार की योजनाएं हैं देश और प्रदेश की, गरीबों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं, तो जनता इधर रहेगी कि उधर रहेगी? ये लोग 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, 2400 हारेंगे। ये लोग खाली हारने के लिए पैदा हो गए, ये लोग जनता को धोखा दिए हैं, इस नाते जनता नकार दी है, किसी को बनावे चेहरा कोई काम आने वाला नहीं। गठबंधन क्या स्थिति है सर, अब 2024 तैयार होता? 2024 NDA पूरी तरह 350 सीट जीत करके तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 सीट हम लोग जीत करके हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं 2024। जनता ने तो नकार दिया, 5 राज्यों में जनता ने नकार दिया कि ला तो रही थी कांग्रेस, उसी कांग्रेस की बात। जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो लोकसभा के अंदर वो बिल को किसने फाड़ा था? राहुल जी नहीं फाड़ा था ना? जब सत्ता में रहते हैं कहते हैं कि प्रदेश देश में सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी मिली जुली केंद्र में ना, फिर इन लोगों ने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई? उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे अखिलेश जी खुद 5 साल, इन्होंने क्यों नहीं कराया? मायावती जी क्यों नहीं कराई? ये सत्ता में रहते हैं तो इनको दिखाई नहीं देता है, सत्ता से बेदखल होने के बाद इनको सारी चीजें याद आती हैं।